नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर्ष लवर GKP में। और आप इस समय इस वीडियो में देख रहे हैं गोरखपुर में जो 22 मार्च को घुड़दौड़ चेतक प्रतियोगिता रखी गई थी उस रेस का फाइनल चक्र का वीडियो। और आप सभी को मैं बता दूं, इस रेस के संचालक सवार दुर्गेश यादव थे जो अपने यहाँ रेस कराए थे। और देखिए उनकी रेस का फाइनल चक्र का वीडियो है। और देखिए एक चक्कर पूरा होता हुआ दूसरा चक्कर में इस समय सवार धीरज यादव अपनी बढ़त बनाते हुए आप सभी को देखने के लिए मिल रहे हैं। उनके पीछे लगे हैं सवार विकास जो चंद्रशेखर पहलवान जी का घोड़ा है नंदनगर का, और अभी भी सबसे आगे सवार धीरज यादव चल रहे हैं। और उनके पीछे लगे हैं सवार विकास यादव जी। और एक घोड़ा दर्शक सेमी से जब छूटा वही घोड़ा जब टर्निंग पॉइंट से छूटा तभी आगे निकला। उसके बाद देखिए इस घोड़े की रफ्तार बढ़ती गई, कितनी खूबसूरत चाल में घोड़ा सवार धीरज यादव के हाथों में चल रहा है। और उनके पीछे लगे हैं विकास सवार, इनकी भी थोड़ी बहुत चाल टूटी है, बिगड़ रही है। और उनके पीछे लगे हैं सवार निकेश यादव जो तांत्रिक बाबा जी का घोड़ा था और दूसरे स्थान पर इस समय वो चल रहे हैं। और सबसे आगे अभी भी सवार धीरज यादव है, उनकी भी थोड़ी बहुत चाल यहाँ पर टूटी। और देखिए संभालते हुए सवार धीरज यादव अपने घोड़े को आगे के लिए बढ़ाते हुए आप सभी दर्शक को इस समय देखने के लिए मिल रहे हैं। और कितनी खूबसूरत चाल में घोड़ा आपके सामने से देखिए दर्शक जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत चाल है इस घोड़े की। और आप सभी को मैं बता दूं, देखिए दूसरे स्थान पर सवार निक्की यादव जी आ रहे हैं और तीसरे पे सवार हरकेश यादव लगे हैं। और आप सभी को मैं बता दूं प्रथम स्थान मिला विनोद यादव जी के घोड़े को जो देवरिया से चल के आया था, सवार धीरज यादव उस घोड़े पे सवारी कर रहे थे। और दूसरे स्थान पर यहाँ पर दूसरा स्थान मिला तांत्रिक बाबा जी के घोड़े को जो सवार निक्की सवारी कर रहे थे उस घोड़े पे। और तीसरे स्थान पे विशाल पाल जी का घोड़ा था जो चोरी चोरा से घोड़ा उछल कर आया था, उस घोड़े पे सवारी कर रहे थे सवार हरकेश यादव। और दर्शक देखिए चौथे स्थान पे ये घोड़ा इस समय आपके सामने देखिए दर्शक चल रहा है। और अभी भी सबसे आगे हैं सवार धीरज यादव और उनके पीछे लगे हैं सवार निक्की और उनके पीछे लगे हैं सवार विकास यादव और हरकेश यादव और उनके पीछे हैं सवार जहिंद यादव। और वो भी देवरिया से घोड़ा चल कर आया था और घोड़े की अच्छे से तैयारी नहीं होती, घोड़ा थोड़ा बगली उगली से आने से थोड़ा डिस्टर्ब था इसलिए वो घोड़ा और पहले ही दिन सवार जहिंद यादव उस घोड़े से घोड़े को लेकर के डायरेक्ट रेस में उतरे हैं। तालमेल अच्छा नहीं था उस घोड़े के साथ सवार जहिंद का, नहीं तो वो भी कुछ नज़ारा आप सभी को दिखाते हैं। और देखिए इस समय भी सबसे आगे सवार धीरज यादव आप सभी को देखने के लिए मिल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत चाल में यह घोड़ा अपनी सुंदर चाल की प्रदर्शन ये सभी दर्शकों के बीच करता हुआ ये घोड़ा दिखा। और ये देखिए दूसरे स्थान पर आ रहे हैं सवार निक्की और उनके पीछे लगा है सवार विकास का घोड़ा और ये घोड़ा फाउल यहाँ पर हो गया। और देखिए तीसरे स्थान पर पहुंचे सवार जय हरकेश यादव।